इस बीच कुलदीप बिश्नोई को सभी पद से कांग्रेस ने हटा दिया, यानी देर से जरूर कार्रवाई हुई लेकिन हटा दिया गया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का उन पर आरोप, जिसके बाद उन्हें अब हटा दिया गया है। आपको बता दें ये बड़ी खबर, जहां पर अजय माकन जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे और कार्तिकेय जो निर्दलीय थे, बीजेपी का उनको सपोर्ट था, कुलदीप बिश्नोई ने जो कि कांग्रेस के नेता थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग उस वक्त की और जिसकी वजह से अजय माकन चुनाव हरियाणा में हार गए थे। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अब कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है कुलदीप बिश्नोई पर, उन्हें सभी पदों से कांग्रेस ने हटा दिया है।